गैथ दिस होनेस्ट बी यार मैंने देखा आज अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर और अगर मैं इसको वन वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो मैं यही कहूंगा कि वट अ पथेटिक ट्रेलर इट वॉस डिस्पाइट है स्टारकास्ट स्ट्रॉन्ग कास्ट ऑफ अक्षय कुमार अरशद वारसी कृति सन जैकलीन फर्नाडिस पंकज त्रिपाठी संजय मिश्रा एंड अदर्स उसके बावजूद भी इतना गंदा डायरेक्शन फराज आमजी का हमें ट्रेलर में देखने को मिल गया और अच्छी बात तो यह है कि साढ़े तीन मिनट के मतलब तीन मिनट चालीस सेकंड के ट्रेलर में ही आप पूरी पिक्चर दी जाती है तो पहली बात तो यह है यार किस बेवकूफ ने इसका ट्रेलर काटा किसने इसकी एडिटिंग निकाली मतलब एडिटिंग करी है पहली बात तो उसका नाम बताए मतलब कुछ भी गुंजाइश छोड़ी ऑडियंस के लिए कि कोई यह फिल्म जाके थिएटर में देखेगा अठारह मार्च को क्योंकि बहुत से सारे लोगों ने इसका ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है स्टारिंग अजीत कुमार जो कुछ बचे हुए लोग थे जिनको थोड़ी सी होप थी कि अक्षय कुमार जो अक्षय भी बच्चन पांडे मार्जिन छोड़ा ही नहीं इस ट्रेलर में क्योंकि इस छोटे से ट्रेलर में ही पूरी पिक्चर दिखा दी और मैं यही कहूंगा को देखते हुए कि यार ये ऑल दो इट्स 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 मास अपील फॉर ऑडियंस लेकिन जो भी स्टेयर में दिखाया गया है कॉमेडी हो एक्शन हो या ड्रामा हो जो भी हो बिल्कुल भी, भी अच्छा नहीं है मतलब हर चीज को इतने बुरे तरीके से डायरेक्ट किया गया है सीजीआई वीएफएक्स हर चीज नकली लगती है हालांकि व्हाट इज गुड इज ओनली द लुक ऑफ अक्षय कुमार हालांकि उनका जो लुक उनका जो मेकअप किया गया है वो मुझे कहीं ना कहीं गब्बर इज बैक में जो उनका लुक था उसकी याद दिलाता है सेम टू सेम एज वेल थोड़ा सा आई का फर्क है उसके अलावा कुछ भी चीज नहीं है नॉट टॉकिंग द टेलर आपको बिल्कुल भी बांधे नहीं रखता बिल्कुल भी डिजन मे स्टिक टू दूस डिजन मेक यू ग्लू टू द स्क्रीन एज वेल चाहे आपको दस बार के आप एक बार देखोगे तो दैट इज इनफ ये फिल्म 18 मार्च को आ रही है मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इतना वेट रहेगा बट डिस्पाइट हो सकता है कि इतनी स्टार कास्ट की अच्छी है तो शायद ये फिल्म चल जाए और शायद थोड़ा बहुत कमा भी ले लाइक ऑल अदर अक्षय कुमार फिल्म लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं इस ट्रेलर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको मतलब बांधे रखेगा वही टपोर जैसी कॉमेडी जो हमने फराज हम जी की एंटरटेनमेंट हो या फिर हाउसफुल फोर हो इन फिल्मों में देखी थी बहुत ही बुरी फिल्में थी यार मतलब कॉमेडी का लेवल बिल्कुल ही बॉलीवुड ने गिरा दिया है एटलीस्ट अगर आप रिमेक कर रहे हो तो वैसा तो करो जैसी ओरिजिनल फिल्म थी उससे भी अगर गिर जाते हो इतनी अच्छी स्टार कास्ट होने के बावजूद यार अक्षय कुमार इतने एक्टर हैं वारसी जिनका हो रहा है इतने बड़े बैनर के साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम हम सभी को उनका वेट है। उनका हम मुझे उनका कॉमेडी लेवल किस लेवल पे है वो भी जानते हैं पूरी सब जानते हैं लेकिन अब जब स्क्रिप्ट ही बकवास होता है एक्टर क्या करेगा तो मैं कहूंगा यार मैं दूंगा इस ट्रेलर को एक स्टार जस्ट फॉर ओनली द लुक ऑफ अक्षय कुमार बाकी उस ट्रेलर में कुछ भी नहीं है आई होप कि फिल्म शायद थोड़ी बहुत अच्छी हो ऑडियंस को मान ले और ये इसका ट्रेलर तो गंदा है ही है लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इसके जो गाने होंगे वो एटलीस्ट ओरिजिनल होंगे जब आएंगे बाहर तब पता लगेगा वो कहीं पुराने पिक्चर को रीमेक ना हो वरना तो भगवान भरोसा है इसमें आउट ऑफ फाइव फॉर बच्चन पांडे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो है तुम्हें अटेंशन uh, देता है अट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन वॉच अनचार्टेड हॉलैंड इन द इट्स ओनली इन सिनेमास मैं भी उसी को प्लान कर रहा हूँ सी यू देन और आप हाँ अगर आपने रिव्यू अगर आपने ट्रेलर देखा है तो प्लीज लेट मी नो माई कमेंट सेक्शन और अगर आप नए आए हो यू है वे थैंक यू सो मच